जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के बीजेपी के लोग निकले और उन्होंने सर माइक के सर सुशोधन जीवन में बुझे सर कैमरा कश्मीर के अंदर हमारे बीजेपी के लोग उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज इतने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मगर मुझे वहाँ बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में ना जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, ना सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, ना पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। आज लद्दाख के, आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुप्ता डेक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करना है, उसकी क्या वजह है? कोशिश तो मैं सर में तो होके सर क्या करना है? उसमें सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। कम्युनल है इनका इंटेंशन। लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको हवाई जहाज में दिल्ली लेके गए, पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हालांकि आज लद्दाख के लोग भी पछता रहे हैं, उनको भी पता है कि पूरे मुल्क में जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, क्योंकि गरीब को तो बीजेपी ने रोटी नहीं दी दो टाइम की, वो जमीन क्या खरीदेगा जम्मू कश्मीर में? वो कहते हैं हमें रोटी दो, ये कहते हैं 370 है जाओ जमीन खरीदो, वो कहते हैं रोजगार दो बिहार में, ये कहते हैं जाओ 370 खत्म किया नौकरी कश्मीर में जमीन लेते हैं। और जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा जेल बनाया है, यहाँ कोई बात नहीं कर सकते। मगर मैं इनको कहना चाहती हूँ, हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि दिन भर नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से, आज ये फरमान जारी हो गया आज जमीन लेंगे, आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है, उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाखी जमीन उन्होंने खाई। चाइना को तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम जिन्होंने हमारे किसानों को शहीद किया उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत अपना जबर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। इसलिए मैं आप कहना चाहती हूँ कि आपके थ्रू आपके मीडियम से कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वो क्या करना चाहते थे? बहुत ही पीसफुली वो एक जो आपने फरमान जारी किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे खुशी आज जम्मू के लद्दाख के कश्मीर वादी तो ऑलरेडी थी, सब लोगों को पता चला है कि बीजेपी का घिनौना चेहरा, उनको यहाँ के डोगरों से कोई मतलब नहीं, उनको लद्दाखियों से कोई मतलब नहीं, कश्मीरियों से तो था ही नहीं कभी। वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जिस तरह हमने किसानों की ज़मीन छीनी उसी तरह हम छीनना चाहते हैं, मगर हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। चुन के आए हैं, दूसरी बार जब इनको अक्सरियत मिली है, जिस अक्सरियत का इन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने
एक मतलब कानून पास किया कि जो अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा पार्लियामेंट हमसे 370 नहीं छीन सकता अगर कोई कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इनका तो सिर्फ इलेक्शन की इलेक्शन ही इनका मकसद है, चाहे बिहार में हो, इसके बाद बंगाल में होगा, इसके बाद कहीं और होगा। तो ये तो अब ये तो इलेक्शन से ऊपर उठ ही नहीं पाए। हमने सोचा था कि मोदी जी को इस मुल्क ने इतना बड़ा मैंडेट दिया तो वो पूरा मुल्क संभालेंगे, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। यहाँ तो लोगों को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही है, बाकी तो बात ही नहीं है। उनको कहते हैं जिनको जो रोटी मांगते हैं उसको कहते हैं रोटी हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है। हाँ, खत्म किया, कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। अरे बाबा, उसको रोटी तो दो पहले, उसके बाद कश्मीर के जमीन खरीदने के ख्वाब देखते रहो। US talk today, what's your next step going to be? I'm sorry, Zenith, let me tell you personal with you, I love you. I'm not going to answer any questions. Mehbaji, US talk today, what's your next step going to be like? ہے بھیا یار اٹھ سو ٹھیک سمجھ دالمت سر ٹھاکو چھ ون سر بوئی چھ چپل بوئی دیکھنا بوئی دال سن سر ہمارے انڈوس کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا ریسپانس تو لوگ دیں گے یہاں کے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ مہبوبا جی واٹس یور نیکسٹ سٹیپ گوئنگ ٹو بی لائک ٹوڈے یو ہیو سٹاپڈ یور پارٹی ورکر سپورٹرز ہیو سٹاپڈ واٹس یور نیکسٹ سٹیپ گوئنگ ٹو بی لائک یو سیڈ یو وونٹ ڈو ٹویٹر سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں تھینک یو میم تھینک یو